लोंधी ज्वेलर्स 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड नागपुर। सेंट्रल जेल में एक बार फिर गांजा, मोबाइल फोन, सिम कार्ड व बैटरियां पहुंचाने का प्रयास किया गया, लेकिन एक सजग पहरी के कारण इसे मंगवाने वाले दो कैदियों तक यह मामला नहीं पहुंच पाया और उनकी पोल खुलकर सामने आ गई। इस मामले में धंतोली पुलिस ने आरोपी कैदी मोहम्मद सानू पठान और अमित सोमकुवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में टावर पर तैनात एक कर्मचारी को जेल प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। घटना गत गुरुवार को दोपहर करीब 2:30 के बीच की है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सोनू जमील खान पठान मोमिनपुरा निवासी सजायाफ्ता कैदी है। उसकी बैरक में अंडर ट्रायल कैदी अमित प्रमोद सोमकुवर कौशल्यानगर निवासी भी बंद है। दोनों आरोपियों को एक अज्ञात व्यक्ति ने जेल के टावर के करीब बने जेल अस्पताल के पास बाहर से एक थैली फेंकी। सजग जेल कर्मी की निगाह थैली पर पड़ने पर उसने जांच की तो उसमें करीब 346 ग्राम गांजे की पुड़िया और 4 मोबाइल फ़ोन, 2 सिम कार्ड और 6 बैटरियां मिलने की बात कही जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन का कहना है कि गांजे की 5 पुड़िया, 1 मोबाइल फ़ोन और कुछ बैटरियां मिली है। इस मामले में जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी मिलने पर धंतोली थाने में 2 कैदियों पर मामला दर्ज कराया गया है। दिनांक 26 सेंट्रल जेल या ठिकाणावरून आम्हाला एक लेखी माहिती प्राप्त झालेली होती, साधारणतः सायंकाळी 6 दरम्यान की सेंट्रल जेल या ठिकाणी आतल्या परिसरामध्ये रुग्णालय परिसर आहे त्या ठिकाणी एक संशयास्पद वस्तू असलेली एक बॅग मिळालेली आहे। कायदेशीर कारवाई करता या असं सांगण्यात आलेलं होतं। त्यावरून आम्ही संपूर्ण टीमसह त्या ठिकाणी गेलो। त्या ठिकाणी गेल्यानंतर घटनेची शहानिशा केल्यानंतर ज्या संशयित वस्तूची जी बॅग होती त्या बॅगची पंचासमक्ष पूर्ण झडती वगैरे घेतली आणि पंचनामा कारवाई केली असता त्या एक लाल रंगाच्या बॅगच्या आतमध्ये काही 4-5 जे पुडके होते जे सेलोटेपने रॅप केलेले होते त्याच्या आतमध्ये एक 3-4 मोबाईल, 2 सॅमसंग कंपनीचे, 2 नोकिया कंपनीचे बॅटरीसह होते, 2 छोट्या पॉलिथिनमध्ये 2 सिम कार्ड होते, 3 पुडक्यांमध्ये गांजा होता जो एकत्रित 346 ग्राम झालेला आहे, 1 चार्जर आणि 1 शर्ट असा एकूण 4 मोबाईल, 10 बॅटऱ्या, 2 सिम कार्ड, 1 शर्ट आणि 346 ग्रामचा त्या ठिकाणी मुद्देमाल मिळून आला। मुद्देमाल मिळाल्यानंतर पुढील त्या ठिकाणचे जे कर्मचारी आहे, संबंधित कर्मचारी जे तिथे कर्तव्यावर हजर होते त्यांच्या तक्रारीवरून तक्रार घेऊन गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे MDPS ॲक्ट आणि प्रिजनल ॲक्टप्रमाणे। सदर गुन्हा दाखलच्या प्रोसेसमध्ये तपासादरम्यान आम्हाला असं निष्पन्न झालेलं आहे की सदरच्या ह्या ज्या वस्तू होत्या त्या रुग्णालय परिसरामध्ये असलेले जे शौचालय आहे त्या शौचालयाच्या ठिकाणी एक शिक्षाबंदी कैदी याच्या ताब्यातून मिळालेला होता। तो शिक्षाबंदी कैदी जो आहे तो मोहम्मद सानू पठाण आहे जो 2016 मुख्याच्या केसमध्ये शिक्षा भोगत आहे आणि त्याने ते त्याचं कृत्य हे त्याचा दुसरा साथीदार जो आहे अमित सोमकुवर जो अजनी येथील 302 केसमध्ये शिक्षा भोगत आहे 2013 मध्यवर्ती कारागृह परिसरात आहे, त्या दोघांनी मिळून त्या वस्तू ताब्यात घेतलेल्या होत्या आणि त्या शौचालयामध्ये लपवून ठेवलेल्या होत्या। तिथे उपस्थित असणारा दुसरा जो शिक्षाबंदी कैदी आहे त्याच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तिथे कर्तव्यावर असलेल्या कारागृह रक्षकाच्या निदर्शनास आणून दिलं। कारागृह रक्षकाने ते जेल प्रशासनास कळवलेलं आहे। जेल प्रशासनाने कळवल्यावरून धंतोली पोलिसांनी ती पुढील कारवाई केलेली आहे, गुन्हा दाखल केलेला आहे। गुन्ह्याचा महाराष्ट्र TV 24 के लिए अविनाश तोतडे की रिपोर्ट, नागपूर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ दे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल, डांस, क्लासिकल एंड वेस्टर्न, स्पोर्ट्स, इंडोर एंड आउटडोर। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट बेसा नागपुर। अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी। कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999।
एंड 7276055999। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एस्पायर इंटरनेशनल स्कूल नागपुर हैज बीन ड्रीमिंग विद एस्पिरेशन सिंस इट्स इंसेप्शन एंड वी आर मार्चिंग फॉरवर्ड विद अ बिग बैंग इन आवर वेंचर्स। आवर स्कूल हैज ऑल द एमिनिटीज for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum.